अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट्स क्या, और दोस्तों आज 10 अगस्त 2019 की बड़ी अपडेट्स हम देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा। सवाल, देश में कितने राज्यों में विधान परिषद है? ठीक है, देश में कितने राज्यों में विधान परिषद है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो वेट करिए, वीडियो में इसका आंसर दिया जाएगा और आप लोग कमेंट करके भी आंसर आप बता सकते हैं। तो दोस्तों चलिए पहली बड़ी खबर आज की क्या है उसको देखते हैं। कर्मचारी की नियुक्ति की तिथि से देनी होगी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, पेंशन निर्धारण में तदर्थ या नियमित नियुक्ति का नहीं है महत्व। जी हाँ दोस्तों, ये हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला है, इसको देखेंगे। उसके बाद दोस्तों 72,825 शिक्षक भर्ती में पदों से अधिक भर्ती में दो अफसर जांच के घेरे में। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम डीएलएड में प्रवेश की स्थिति इस बार बेहद खराब। निजी कॉलेजों में ताला लटकने के आसार। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट कॉलेज में ताला लटक सकते हैं। एक और दोस्तों इस वीडियो में बड़ी खबर अपडेट देखेंगे, क्या है शिमला समझौता? जम्मू कश्मीर मामले पर इसी की दुहाई दे रहा है पाकिस्तान। तो इस समझौते को भी दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की कुछ बड़ी अपडेट हैं। उसके बाद दोस्तों इस वीडियो में और अलग से डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को 40, 45 और 60, 65 को लेकर क्या अपडेट है, फिलहाल क्या होने वाला आने वाले समय में। तो दोस्तों आपको हर एक बड़ी अपडेट से रूबरू होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं शिमला समझौता क्या है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके देश से जुड़ा है, हम लोग एक टीचर बनने वाले हैं। तो दोस्तों हर एक टीचर को ये सब बातें जरूर पता होनी चाहिए कि भाई आखिर हो क्या रहा है देश में। तो एक बार शिमला समझौता पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, कि दोनों देशों ने इस समझौता के जरिए आपसी संबंध को बेहतर, शांति बनाए रखने और एक दूसरे का सहयोग करने का संकल्प लिया था। इसके लिए दोनों देशों के बीच कुछ बातों पर सहमति बनी थी, वो बातें यहाँ दी गई हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या था, दोनों देशों ने 17 सितंबर 1971 में युद्ध विराम के रूप में मान्यता दी। तय हुआ इस समझौते के 20 दिनों के अंदर दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी सीमा में चली जाएंगी, पहला ये था। यह भी तय हुआ दोनों देशों सरकारों के अध्यक्ष भविष्य में मिलते रहेंगे, संबंध सामान्य बनाए रखने के दोनों देशों के अधिकारी बातचीत करते रहेंगे। तीसरी बड़ी बात, दोनों देश सभी विवादों और समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सीधे बातचीत करेंगे, तीसरे पक्ष द्वारा कोई मध्यस्थता नहीं की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कोई मैटर होगा तो आमने सामने बात होगी, तीसरा कोई पक्ष नहीं आएगा। यातायात की सुविधा स्थापित की जाएगी ताकि दोनों देशों के लोग आसानी से आ जा सकें। जहां तक संभव होगा व्यापार और आर्थिक सहयोग फिर से स्थापित किए जाएंगे। अगर दोनों देशों के बीच किसी समस्या का अंतिम निपटारा नहीं हो पाता और मामला लंबित रहता है तो दोनों पक्ष में से कोई भी स्थिति में बदलाव करके एक तरफा कोशिश नहीं करेगा। दोनों पक्ष ऐसे कृत्यों के लिए सहायता, प्रोत्साहन या सहयोग नहीं करेंगे जो शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने में हानिकारक हैं। दोनों देश एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, समानता एवं आपसी लाभ के आधार पर एक दूसरे के आंतरिक मामले में दखल नहीं देंगे। दोनों देशों की सरकारें अपने अधिकार के अंदर ऐसे उग्र प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएगी जिनके निशाने पर दोनों में से कोई भी देश हो। दोनों देश इस तरह की सूचनाएं आपस में साझा करने को प्रोत्साहन देंगे। फिर संचार के लिए डाक, टेलीग्राफ सेवा, समुद्र सीमा डाक समेत सतही संचार माध्यमों, उड़ान समेत हवाई लिंक बहाल किया जाएगा। शांति की स्थापना, युद्ध बंदियों और शहरी बंदियों की अदला बदली करके सवाल जम्मू कश्मीर के अंतिम निपटारे और राजनयिक संबंधों को सामान्य करने की संभावनाओं पर काम करने के लिए दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मिलते रहेंगे और आपस में चर्चा करेंगे। दोनों देशों के बीच सहमति बनी कि जहां तक संभव होगा आर्थिक और अन्य सहमति वाले क्षेत्रों में व्यापार और सहयोग बढ़ेगा। विज्ञान और संस्कृति के मैदान में आदान प्रदान को बढ़ावा देने की सहमति बनी। तो दोस्तों ये था आपका शिमला समझौता, इसी को लेकर अब पाकिस्तान चिल्ला रहा है, परेशान हो रहा है, ये सब है दोस्तों। तो फिलहाल पाकिस्तान कुछ भी बोले दोस्तों हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, हमें अपने देश से मतलब होना चाहिए दोस्तों और इंडिया हमेशा आगे होना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, एक सवाल हमने आपसे पूछा था अभी इस वीडियो में कि देश में कितने राज्यों में विधान परिषद है, इसका आंसर पहले लेते हैं दोस्तों। देखिए जवाब, पहले इस सवाल का जवाब था 7, लेकिन जम्मू कश्मीर
पुनर्गठन बिल पास होने के बाद इस सवाल का सही जवाब है 6। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है इसका सही आंसर कितना है, 6। नहीं तो आप लोग हिंदी ना समझ पाते हो, तो 6 इसका सही आंसर है। पहले इसका क्या आंसर था, 7। आज की डेट में इसका आंसर सही है 6। उसके बाद दोस्तों, फिलहाल उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र में विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहाँ विधान परिषद खत्म हो गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा रहेगी। यहाँ मौजूद विधान परिषद में कुल 36 सीटें थी। जी हाँ दोस्तों, अब इसको जम्मू कश्मीर से समाप्त कर दिया गया है। अब दोस्तों देखते हैं, जो डीएलएड है ना, इस बार एडमिशन हो रहा है बीटीसी, आप इसका नाम है, तो कुछ बच्चे भी इस बीटीसी की वीडियो देख रहे हो, तो दोस्तों आप सोचिए कि बीटीसी की हालत कितनी खराब हो चुकी है। एक समय था कि बीएड कोई नहीं करना चाहता था, आज देखिए बीटीसी के प्राइवेट कॉलेजों में क्या हो गया, ताला लटकने के आसार हो गए। जी हाँ दोस्तों, अब ताला लगा के स्कूल को बंद कर देने की नौबत आ चुकी है। पढ़ते हैं पूरी खबर क्या है। देखिए क्वेश्चन आप लोग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपने बीटीसी कर रखा है। अगर आपके छोटे भाई बहन या दोस्त, घर में कोई भी, अगर उनको बीटीसी या बीएड कराना, तो क्या कराना चाहिए, इस वीडियो से भी आप सीख सकते हैं। पढ़ते हैं इस खबर को, उसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करेंगे आप लोग की फाइनल कटआउट को लेकर। देखिए प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम डीएलएड में प्रवेश की स्थिति इस बार बेहद खराब है। किसी तरह से जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान डायट में सीटें भर गई हैं, लेकिन निजी कॉलेजों में पढ़ाई करने से अधिकांश दावेदार किनारा कर रहे हैं। आशंका है कि इस वर्ष तमाम निजी कॉलेजों में ताला लटक सकता है। अब तक सभी की उम्मीदें दूसरे चरण के प्रवेश पर लगी है। यदि पहले चरण की तरह दूसरे चरण में हालात बने तो निजी कॉलेजों को बड़ा झटका लगना तय है। प्राथमिक स्कूलों में हर वर्ष 10,000 से अधिक शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए इन स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया गतिमान रहती है। डीएलएड पाठ्यक्रम व परीक्षा कराने की प्रक्रिया में बदलाव के बाद से अभ्यर्थियों ने इस पढ़ाई से किनारा करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि 2017 में प्रदेश भर में करीब 32,000 सीटें खाली गई थी। 2018 में खाली सीटों की संख्या बढ़कर 80,000 पार हो गई। खास बात यह है कि अभ्यर्थियों की बेरुखी के बाद भी निजी कॉलेजों को मान्यता मिलना जारी रहा और वहां पढ़ाई करने में कोई सुधार नहीं हुआ। इसका असर अब स्पष्ट दिख रहा है। अभ्यर्थियों उन्हीं निजी कॉलेजों को लॉक कर रहे हैं जो उनकी पहुंच में आता है और उस संस्था की साख दुरुस्त है। पहले चरण में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने कॉलेजों को लॉक करने के बाद भी प्रवेश नहीं लिया। 3,000 से अधिक निजी कॉलेजों में अधिकांश सीटें खाली हैं। कई कॉलेजों तो ऐसे हैं जहां तक अब तक एक भी अभ्यर्थी प्रवेश लेने नहीं पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 6 अगस्त से शुरू हो चुका है। वैसे परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय दूसरे चरण में प्रवेश प्रक्रिया 16 अगस्त से शुरू कर रहा है, जो 31 अगस्त तक जारी रहेगी। इसी चरण में उम्मीद है कुछ सीटें भर जाएंगी। संकेत है कि अब तक 80,000 से ज्यादा सीटें भर चुकी हैं। दूसरे चरण में यह संख्या 1 लाख तक पहुंच सकती है। ज्ञात हो कि कुल सीटों की संख्या 2,29,000 से अधिक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों, जब 2,29,000 से सीटें अधिक हैं तो कैसे क्या होगा। ये बात बहुत सीरियस आपको लेना है कि यार बीटीसी की इतनी बुरी हालत का आखिर जिम्मेदार कौन है। जी हाँ दोस्तों, जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए कि बच्चे बीटीसी क्यों नहीं करना चाहते। पहले था कि चलो बच्चे बीटीसी तो कर रहे थे, नौकरी मिले ना मिले, लेकिन दोस्तों जब से आपका बीएड आया सभी ने सोचा यार बीएड एक अच्छा विकल्प होगा। आज के दिन दोस्तों हम बता रहे हैं बीएड के जितनी भी सीटें हैं, जो भी रेप्यूटेड कॉलेज है, जो सम्मानित कॉलेज है, वहां पर लगभग 100% सीटें फुल चल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे मैनेजमेंट से सीटें फुल हो गई हो, चाहे जैसे हो गई है। तो अब हम डिस्कस करने वाले 40, 45 और 60, 65 को लेकर इस वीडियो में, कि आखिर होगा क्या। काफी बच्चे यार ये सोचते हैं कि हर दिन की क्या नई अपडेट आएगी। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात आपको याद रखना है कि हमारे पास 2 ही ऑप्शन है कट ऑफ को लेकर, लेकिन सभी बच्चे जिक्र कर रहे हैं कि सर 0 कट ऑफ लगाई जा सकती है क्या। कुछ शिक्षा मित्रों ने कहा कि कमेंट्स क्या किए, सर कट ऑफ को 0 कर देना चाहिए। देखिए कुछ बच्चों के नंबर 60 से भी कम आ रहे हैं, तो 60 से कम में उनकी नौकरी लग सकती है जो शिक्षा मित्र हैं। समझने वाली बात है, अगर आप बीटीसी बीएड के हैं तो भूल जाइए कि आपकी नौकरी लगेगी 60 से कम में। लेकिन हाँ, अगर आप एक शिक्षा मित्र हैं तो आपकी उम्मीद बन सकती है, क्योंकि आपको 25 अंक का बड़ा भारांक मिलेगा, तो उम्मीद की जा सकती है। तो शिक्षा मित्रों की भाई ये भी सोचे कि अगर कट ऑफ शून्य हो जाता तो उनको एक बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है, कि मतलब अभी तक दोस्तों हो रहा है कि कुछ शिक्षा मित्र नौकरी पाएंगे, फिर दोस्तों हो जाएगा कि 100%, मतलब 100% शिक्षा मित्रों को नौकरी मिल जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में, मतलब जितने भी शिक्षा मित्र इन्वॉल्व होते हैं उन्हें नौकरी दे देना चाहिए, इस कटाप से ये होगा। लेकिन दोस्तों जो हमारी विज्ञप्ति जिन्होंने भी तैयार की, उनको एक बार जरूर सोचना चाहिए था यार, हम फाइनल पासिंग मार्क या कटाप को लेकर एक दो बात लिख देते हैं,
तो कुछ हो ना ज्यादा, खाली इतना ही लिखना था कि इसमें जो कट ऑफ लगेगी या फाइनल पासिंग मार्क होगी वो 60-65 या 40-45, जो भी उनका मन करता वो लिखते थे। तो अब तक सभी बच्चे नौकरी कर रहे होते, कोई केस ना होता, कोई विवाद ना होता। अभी देखिए दोस्तों, आपका रिवाइज आंसर क्या आना बाकी है, या हिंदी में जिसको हम संशोधित उत्तर माला कहते हैं। जिस दिन संशोधित उत्तर माला आएगा दोस्तों, आपको पता है कि उस दिन भी कुछ ना कुछ नए विवाद खड़े हो जाएंगे इस शिक्षक भर्ती में, सबको पता है। तो हम वेट एंड वॉच वाली ही पॉलिसी अपनाते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि दोस्तों हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता, जो चाहेगी सरकार कर सकती है, लेकिन सरकार अगर चाहती है नौकरी देना तो आपको आज नहीं तो कल नौकरी मिलेगी। और दोस्तों एक बार विज्ञप्ति जारी होती है तो फिलहाल वो नौकरी मिलने के बाद ही समाप्त की जाती है। देखिए अभी योगी सरकार को काफी टाइम है यहाँ पर 2022 तक, तो आप लोग उम्मीद रखिए कि केंद्र में भी मोदी सरकार, यहाँ पर योगी सरकार, मतलब हर जगह बीजेपी का शासन है, तो मतलब कोई से किसी भी प्रकार की आपकी भर्ती कोई आँच नहीं आएगी। अगर दोस्तों कोई अदर पार्टी होती तो एक बार दिक्कत हो सकती थी, लेकिन अब हर जगह बीजेपी बीजेपी, तो नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों देखिए एक और खबर आई थी आज हमारी, कि पदों से अधिक भर्ती में क्या था दोस्तों पूरा मामला, पदों से अधिक भर्ती में दो अफसर जांच के घेरे में आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी बड़ी खबर थी कि कर्मचारी की नियुक्ति की तिथि से देनी होगी पेंशन। जी हाँ, यह एक हाईकोर्ट का एक अच्छा फैसला और बड़े फैसला आया था। तो दोस्तों ये सब आज की बड़ी खबरें थी, तो इनको आपने देखा, शिमला समझौता समझ लिया क्या है, तो सब कुछ दोस्तों आपको पता होना चाहिए। देखिए हम लोग टीचर्स हैं, तो सभी टीचर्स को हर एक छोटी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर कभी आप घूमने निकलते होंगे कहीं पर, चार लोग बैठते हैं तो वहां दोस्तों ये सब डिस्कस होने लगता है। इंडिया पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आजकल हो रहा है, धारा 370 क्या है, कैसे हट गई, क्या हुआ, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, पढ़ाई होती रहे दोस्तों। अगर आपको यूपी टेट की तैयारी आपने फिर से शुरू की है तो बहुत अच्छी बात है, और आपका प्रयास होना चाहिए दोस्तों आप लोग अधिक से अधिक नंबर आप लोग मतलब यूपी टेट में पा सके। ठीक है, इस बार दोस्तों कम से कम 120+ टारगेट सभी बच्चों का होना चाहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।